तो आज के लेक्चर में हम एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कुछ वो कौन से होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। जैसे एक आयरन पीस है, एक मैग्नेट है ये वाली, ये आयरन पीस ये इससे अट्रैक्ट हो गया, इसके साथ चिपक गया, ठीक है। फिर हमने देखा होगा कि ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल था, अब इसके ऊपर भी कुछ आयरन पीसेस चिपकने लगे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ये भी मैग्नेट बन गया है? हाँ, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल जब इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, और ये भी कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा। इसी वजह से वो छोटे छोटे आयरन पीसेज इसके ऊपर भी क्या करने लगे, स्टिक करने लगे, ठीक है। तो जो हमारे पास टर्म आती है इसके अंदर, कि जब हम किसी मान लीजिए हमारे पास ये एक एरिया है जहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एच, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको हम कहेंगे, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पे, ठीक है। और ये एच क्या है इसमें, एच म्यू नॉट के बारे में आप जानते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एच क्या है यहाँ पे, एच जो है वो है इंटेंसिटी। देखिए, ये जो फील्ड है अप्लाइड या मैग्नेटाइजिंग, जो फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब है जो फील्ड हम एक्सटर्नली हमने वहां उस रीजन में अप्लाई किया हुआ है उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो उस फील्ड को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी एच है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हम जैसे जैसे इस फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम एच बढ़ा रहे हैं, समझ गए बात? ओके, अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया और इस रीजन में रख दिया ऐसे, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो अभी तक हमने पढ़ा जिनको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। वैसे हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कहेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसको कि मैग्नेट रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। देखो, अब क्या होगा कि जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये भी अपने आप, ये भी क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। दिस मैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो, ठीक है। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक फील्ड इंड्यूस होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, एक फील्ड इंड्यूस होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, गेट्स मैग्नेटाइज एंड देर इज एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे बी आई से लिख देते हैं, बी इंड्यूस्ड, ठीक है, बी आई। वो कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई होगा, ठीक है। ये आई क्या है, देखिए, जो फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी इंटेंसिटी, देखिए फील्ड इसके अंदर जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, उसकी भी अपनी क्या होगी, एक स्ट्रेंथ होगी ना, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको किससे, जैसे अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को किससे लिख रहे हैं हम,
एच से, एच बढ़ता चला जाएगा, साथ में म्यू नॉट फैक्टर है इसमें। कहने का मतलब ये है कि बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे, म्यू नॉट है। ऐसे ही यहाँ पे बी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कौन है, म्यू नॉट है। ठीक है, तो आई क्या होगा यहाँ पे, आई होगा हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या तो ये कहेंगे इसको, या आप ये कह सकते हैं इसमें देखिए, और आई को हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल वर्ड्स में इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए होंगे बात कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए दो फील्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक फील्ड वो है जो हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नली किसी भी सोर्स से, जिसका कि हमारे पास इंटेंसिटी एच है, इक्वेशन हमारे पास मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नॉट म्यू नॉट इनटू एच। उस फील्ड के अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो वो भी क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या होगा हमारे पास, बी आई से लिख रहे हैं उसको, दैट इज म्यू नॉट आई। ओके, उसके बाद हमारे पास आई क्या है इसमें, कि जो फील्ड इंड्यूस हुआ है उसकी इंटेंसिटी, एच क्या है जो फील्ड अप्लाई किया है उसकी इंटेंसिटी, दोनों बातें क्लियर है ना। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसको इफ द अप्लाइड फील्ड इज ड्यू टू सोलेनोइड, यही हम कह सकते हैं, इफ द सोर्स ऑफ द अप्लाइड फील्ड इज सोलेनोइड, देन B नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, सोलेनोइड में ये वाला फील्ड करवाया था मैंने, याद हो तो, म्यू नॉट एन आई। ओके, जो मान लीजिए ये हमारे पास एक तरह का ये सोलेनोइड है, ठीक है, ये टॉर्स इसके ऊपर है और इसके अंदर ये मटेरियल है, तो इसके अंदर कितना फील्ड होगा, इतना फील्ड होता है ना, और ये जो एन आई है ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, फिर बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एच। वो तो जनरल हमने बताया, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जो हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो सोलेनोइड की हेल्प से कर रहे हैं, तो सोलेनोइड के अंदर मटेरियल रखा है जो कि इंड्यूस होने वाला है जिसमें मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो ये जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनोइड की वजह से है, तो सोलेनोइड का फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन स्मॉल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई क्या है, करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड। ठीक है, तो इस केस में एन आई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, दोनों बातें क्लियर है। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, नाउ मैं सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूं इसमें, ठीक है, देखिए सोलेनोइड जो है उसमें हर जगह कितना फील्ड है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट फील्ड है, पूरे अंदर सोलेनोइड के अंदर वाली साइड में ये फील्ड होता है हर पॉइंट पे इतना, तो मैं सिर्फ इस रीजन की बात करूं जहां ये मटेरियल रखा है, तो यहां फील्ड कितना, टोटल फील्ड, टोटल नेट फील्ड वो आ जाएगा हमारे पास बी इज इक्वल टू बी इंड्यूस्ड, बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होगा, वेक्टर 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 लगा देता हूं, एक्चुअली वेक्टर सम होता है ये। ठीक है, अगर ये इंड्यूस फील्ड इधर है, अप्लाइड फील्ड भी इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर इंड्यूस फील्ड इधर वाली साइड है, अप्लाइड इधर है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसमें वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन सा फील्ड कौन सी साइड इंड्यूस, कौन से मटेरियल में इंड्यूस फील्ड कौन सी साइड होगा, सेम साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। ठीक है, चले तो टोटल फील्ड हमारे पास आ गया बी नॉट प्लस बी आई। ओके, तो बी आई की वैल्यू क्या है भाई, म्यू नॉट, बी नॉट की लिख लेते हैं पहले, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट कैपिटल आई। देखिए कैपिटल, ये स्मॉल आई क्या है, करंट है, वो कैपिटल आई क्या है, इंटेंसिटी है। ओके, यहां से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट कॉमन एच प्लस आई। ओके, इस इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इस इक्वेशन को संभाल के रखिए, आगे काम आएगी।
ठीक है, क्लियर यहां तक? तो हमने अभी तक क्या देखा इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने अप्लाई किया, वहां एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, फिर उस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या हुआ, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ वहां उस मटेरियल में वो क्या हुआ, एक तो अप्लाइड फील्ड प्लस जो इंड्यूस्ड है वो। ओके, अब आगे देखिए कि इंटेंट, देखिए ये जो हमारे पास है ना मटेरियल, इसकी लेंथ मान लो एल है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ, अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपको कंफ्यूजन नहीं है, मैं लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके डेफिनेशन क्या, देखिए अब जब ध्यान से देखिएगा, ये जो मटेरियल है ये पहले बाहर रखा हुआ, कहीं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना था, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था इसके अंदर वो जीरो था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म ही नहीं था इसके अंदर। जब मैग्नेटिज्म नहीं होगा मीन्स इसमें पोल स्ट्रेंथ नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से आएगा, तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन अब जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो इसके अंदर एक मैग्नेटिज्म आ गया। ओके, मैग्नेटिज्म आ गया तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें एक नॉर्थ पोल बना होगा, एक साउथ पोल बना होगा। उन्हें पढ़ा है कि नॉर्थ साउथ दोनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो फिर अगर इसमें दो पोल आ गए होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम उसी टर्म में डिफाइन करते हैं। देखिए, इंटेंसिटी, ये वही इंटेंसिटी है आई। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ये तो हमने सीधा बताया था कि आई इसमें होगा, लेकिन वो आई किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे, वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड, इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। पहले डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब इसमें कुछ तो डाइपोल मोमेंट आया है ना, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आई इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई वी। याद करिए, कैपिटल एम को हमने लिखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल आई को ना सॉरी कैपिटल एम को हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। उस मटेरियल में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो और उस मटेरियल का वॉल्यूम, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम ही होगी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो ये आ जाएगा एम इंटू एल बाई, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। देखिए डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ एल है, पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए एम है, ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास एम इंटू एल क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया और ये लेंथ, ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट, आई क्या हो जाएगा एम बाई ए। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को या तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और एक्चुअली इसको ना
पूरा लिखना है इसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैंने लिखा ना डेफिनेशन में इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, एक ही बात है इंटेंसिटी को डिफाइन करने की, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट, याद करिए मैंने यूनिट क्या बता रखी है इसकी, पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर, और इसकी क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या आ गया एम्पियर पर मीटर, ओके। एम्पियर पर मीटर इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, एम्पियर पर मीटर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की क्या आ गई, यूनिट आ गई, ओके। आगे इसमें देखिए एक छोटी सी टर्म और है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, आई थिंक समझ आ रहा होगा, छोटी छोटी टर्म्स है, बस इनको ध्यान से देखना है कि H क्या है I क्या है। नेक्स्ट टर्म इसमें आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, आई और एच का। पहले मैं लिख देता हूं, ये सिंबल कुछ ऐसा बनता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इस तरह से, वो होता है आई बाई एच। दोनों टर्म्स देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आई क्या है, आई है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, एच क्या है अप्लाइड फील्ड की इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो कर दीजिए क्या आ जाता है हमारे पास, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला मीन ससेप्टिबिलिटी डिफाइन हो जाती है वहां से। कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज द रेशियो ऑफ, सीधा लिख देता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपको लैंग्वेज अच्छी लगे आप लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओके। तो यहां से आ गया ये हमारे पास, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ये जो सिंबल है इसका ससेप्टिबिलिटी का, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ये होता है, ठीक है। अब चलते हैं वापिस से, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन लिखी थी हमने, याद हो तो, एज बी इज इक्वल टू था म्यू नॉट एच प्लस आई, याद आया, यहां से मैं एच कॉमन ले लेता हूं, म्यू नॉट एच आ जाएगा वन प्लस आई बाई एच, है ना, एच कॉमन ले लिया तो, और देखिएगा कि म्यू नॉट और ये हमारे पास बी बाई एच हो जाएगा, ठीक है, एच को इधर ले आया मैं, और वन प्लस आई बाई एच क्या है, ससेप्टिबिलिटी, ये रहा आई बाई एच, और ये जो बी बाई एच है ना, ये हमारे पास है म्यू, ये याद रखना है फॉर्मूला एक तरह से, देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होगा b नॉट, तो इसी तरह b इज इक्वल टू म्यू एच होगा, मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग इक्वेशन b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, उसी तरह से b इज इक्वल टू म्यू एच, भाई जब स्पेस है फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट होगा तो अप्लाइड फील्ड b नॉट, मतलब फ्री स्पेस के लिए, और जब कोई मीडियम आ जाएगा तो उसको हम किससे लिखेंगे, b से, जैसे ये मीडियम आ गया था मटेरियल उसमें, तो हमने जो हमारे पास ये होगा म्यू और ये आ जाएगा म्यू नॉट और वन प्लस जाई, ससेप्टिबिलिटी जाई बोलते हैं इसको, ठीक है। और देखिए यहीं पे ये जो म्यू नो म्यू बाई म्यू नॉट ऐसे कर दें इसको, या नीचे ले आए इज इक्वल टू वन प्लस जाई, ठीक है। म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, याद आया होगा आपको, वन प्लस जाई, म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू बाई म्यू नॉट, जैसे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वन प्लस जाई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ओके। तो यहां हमारे पास हमने दो तीन टर्म्स पढ़ी हैं, आई क्या है, एच क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, म्यू म्यू नॉट म्यू आर के बारे में पहले ही जानते थे, बट ससेप्टिबिलिटी और इसमें हमने रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, ध्यान रखना इस इक्वेशन को, ओके।
चलिए इसमें एक छोटी सी फिनोमिना और हम करते हैं। देखिए एक ग्राफ होता है जिसको बीएच कर्व बोलते हैं। ओके देखिए या तो उसको बोलते हैं बीएच कर्व या फिर उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप या कर्व, हिस्टेरेसिस लूप या कर्व क्या होती है वो देखिए भाई। हमने क्या कहा कि हम सोलेनोइड लिया, हमने उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया सोलेनोइड के अंदर रखा, पता चला कि वो भी इंड्यूस हुआ। ओके हमने क्या किया, करंट बढ़ाया, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसमें जो फील्ड इंड्यूस होगा वो और ज़्यादा होगा, हम करंट और बढ़ाएंगे उसमें फील्ड और ज़्यादा इंड्यूस होगा, लेकिन ये एक लिमिट तक होगा, वो अपनी जब मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा फील्ड इंड्यूस होने की, उसके बाद हम चाहे कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहे उस सोलेनोइड का, अब उसके अंदर और मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? तो उसी बेस पे ग्राफ हमारे पास है, देखिए इस एक्सिस पे एच है और इस एक्सिस पे बी इंड्यूस्ड है। आप टर्म देखते ही समझ गए होंगे H और B I क्या है। H हमारे पास क्या है, H है जो फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी है, राइट। और B I क्या है, जो फील्ड इंड्यूस हो रहा है उस मटेरियल के अंदर वो है। तो क्या होगा कि जैसे देखिए जब H जीरो था तो B इंड्यूस्ड भी क्या था, जीरो। जब सोलेनोइड में फील्ड ही नहीं था, करंट हमने स्विच ऑन ही नहीं किया है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है सोलेनोइड में, तो मैग्नेटाइज भी कहां से होगा वो। तो एच जीरो है तो बी आई भी क्या है, जीरो। फिर हमने एच को बढ़ाना स्टार्ट किया और बी आई बढ़ना स्टार्ट हुआ इस तरह से, और इस वैल्यू पे जाके एच की ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा अब और नहीं बढ़ सकता। आप जितना मर्जी एच को इंक्रीज करिए, अब इसमें इंड्यूस फील्ड की मैक्सिमम लिमिट आ गई है। क्लियर? फिर हमने कहा, हमने क्या किया कि हम एच को कम करने लगे वापिस से, मींस करंट। देखिए एच कब बढ़ेगा, एक्चुअल में करंट बढ़ेगा, एच का फॉर्मूला याद है ना, एन आई था, तो एन तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा सोलेनोइड में, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ, लेकिन आई को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एच भी इंक्रीज होगा। हमने पहले आई को इंक्रीज करते गए तो इंड्यूस फील्ड भी बढ़ता गया उस मटेरियल में, उस वो अपनी एक लिमिट तक पहुंच गया मैक्सिमम। इसके बाद हम करंट बढ़ा रहे हैं लेकिन इंड्यूस फील्ड नहीं बढ़ रहा, मतलब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके फिर हमने क्या किया कि हम करंट को कम करने लगे, मतलब एच को कम करने लगे, तो ये फील्ड क्या होने लगा, इंड्यूस फील्ड उसमें कम होने लगा, लेकिन वो इसी रास्ते से वापिस कम नहीं हुआ। ये जो ग्राफ वापिस चलेगा ये इस रास्ते से चला, इसमें क्या पहुंच गए, ठीक है। और क्या हुआ कि थोड़ी सी, ठीक है, अब हमने करंट को जीरो कर दिया, करंट को जीरो कर दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड को वहां से जीरो कर दिया सोलेनोइड के, लेकिन फिर भी उस मटेरियल में जो उसके अंदर रखा हुआ था उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे। जो बच गया वो ये है, इतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बच गया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको। देखिए मैग्नेट ना एक होती है नेचुरल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। आर्टिफिशियल टेम्परेरी कौन सी है, सोलेनोइड, जब तक करंट पास करवाएंगे तब तक वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा सोलेनोइड, करंट ऑफ होते ही वो मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाए जिसका मैग्नेटिज्म परमानेंट रहे, समझ रहे हो ना, एक तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास, एक आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट कि हम उसको उस मटेरियल को मैग्नेट में बदल दें, उसका मैग्नेटिज्म उसमें परमानेंट रहे, वो ये है क्या कि इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड रह गया, दिस इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी को क्या लिखेंगे, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, रिटेंटिविटी को क्या लिखेंगे,
रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स इन मटेरियल आफ्टर स्विचिंग ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड समझ गए ना, हमने स्विच ऑफ कर दिया अप्लाइड फील्ड को, तब भी उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह गया है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स रिटेंटिविटी। ओके, रिटेंटिव मीन रिटेन करना, उसमें फील्ड रिटेन रह गया, रिमेन्स लिख दीजिए मैंने, या फिर इसको लिख दीजिए रिटेन्स। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस मैग्नेटिज्म जो इसके अंदर है अभी, इसको भी खत्म किया जाए। तो हमने जो सोलेनोइड पे हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी थी उसके टर्मिनल्स बदल दिए का मतलब है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा और फिर करंट बढ़ाने लगे। हम इस अब ये एच जो इस साइड में था, अब एच इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया हमने, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड कर दिया, तो ये जो फील्ड था हमारा ये क्या होने लगेगा, अब कम होने लगेगा और किसी वैल्यू पे जाके, एच की किसी वैल्यू पे जाके ये पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या एच की किसी वैल्यू पे जाके, नेगेटिव डायरेक्शन में इसके कंपैरिजन में किसी वैल्यू पे जाके क्या हो जाएगा, पूरी तरह डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जिस एच की जिस वैल्यू पे जाके वो पूरी तरह डीमैग्नेटाइज होगा उसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं? कोरेसिविटी। ठीक है, फिर हम इसी डायरेक्शन में इस फील्ड को और अप्लाई करते गए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे और मैग्नेटाइज हो गया। फिर इसको इस डायरेक्शन, इस फील्ड को हम और देखिए इस डायरेक्शन में मैक्सिमम मैग्नेटाइज कर दिया, फिर इसको जीरो करेंगे तो ये यहां जाएगा, यहां से फिर ये वापिस यहां चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहां आ गया। देखो यहाँ पे हमने नेगेटिव डायरेक्शन वाला भी अब जीरो कर दिया, तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फील्ड रिटेन कर गया। फिर हम इसको भी जीरो करना चाहते हैं तो यहां से इसको कुछ इस तरह से ये ग्राफ हमें पहुंचेगा। क्लियर, तो ये दो टर्म्स हैं इसमें, एक कोरेसिविटी और एक है रिटेंटिविटी। क्लियर बात, कोरेसिविटी क्या है कि जो मैग्नेटिज्म उसमें इंड्यूस हुआ है, जो बच गया है, जितना वो मैग्नेटाइज हुआ है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितने इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी हमें, मतलब कितनी आसानी से वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। अगर ये वैल्यू जितनी ज़्यादा है इसका मतलब है उसको डीमैग्नेटाइज करना उतना ही मुश्किल है, और ये अगर कम है तो उसको हम ईजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। रिटेंटिविटी भी हम ज़्यादा चाहते हैं और कोरेसिविटी, भाई रिटेंटिविटी तो ज़्यादा चाहेंगे ना, हम चाहते हैं वो मैग्नेट बने तो हम चाहेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कर जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि उसकी कोरेसिविटी ज्यादा रहे ताकि वो आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो, क्योंकि हम उसको क्या बनाना चाह रहे हैं, हम उसको परमानेंट मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं। क्लियर, तो फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, देखो एक तो नेचुरली मिलता है वो अलग बात है, और एक हमारे पास ये हमने बनाया है परमानेंट मैग्नेट। रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी मस्ट बी हाई, कोरेसिविटी मस्ट बी हाई, दोनों ही हाई होनी चाहिए। लेकिन दोनों हाई नहीं है तो फिर किसको प्रीफर करेंगे, रिटेंटिविटी हाई को या कोरेसिविटी को? देखिए रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस रिटेंटिविटी हाई का क्या करें जो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मींस एक मटेरियल ऐसा है जिसका ये बीएच कर्व है ना कुछ इस तरह की आती है ऐसे, मींस ये कर्व देखिए थिक है और ये कर्व देखिए थिन है, इसमें रिटेंटिविटी तो हाई है, इस वाले में हाई रिटेंटिविटी है। एक बार के लिए तो हमने सोचा कि ये अच्छा है,
ठीक है, लेकिन फिर पता चला कि कोरेसिविटी लो है, लो कोरेसिविटी। फिर यहां से पता चला कि ये तो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब इजिली डीमैग्नेटाइज हो गया तो हम करेंगे क्या फिर उसका, हमें तो परमानेंट मैग्नेटिज्म चाहिए ना। तो हम ये वाला आता है एक तरह से आयरन के लिए, ये कर्व, ये आती है स्टील के लिए। तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सुटेबल है। आपको मटेरियल का नाम दिया जाए ना दिया जाए, आपको कर्व के हिसाब से पूछ लिया जाए कि जिस मटेरियल की कर्व थिक आई है वो ज्यादा अच्छा है क्या बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। थिन कर्व वाला अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी कोरोसिविटी लो होती है, इसकी कोरोसिविटी क्या है, हाई है। ओके, तो हाई कोरोसिविटी वाला चूज करेंगे हम, लो कोरोसिविटी वाला नहीं करेंगे। हाँ, रिटेंटिविटी को प्रीफर नहीं करेंगे हम, कोरोसिविटी को प्रीफर करेंगे। इसमें रिटेंटिविटी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन रिटेंटिविटी को प्रीफर नहीं करते हम। तो इसलिए स्टील जो होती है उसके लिए थिक करवाती है, और आयरन जो होता है इसके लिए थिन करवाती है। ओके, तो हमारे पास ये जो मटेरियल पूछा जाए या कर्व देके आपको पूछा जाए कि कौन से वाली कर्व जो मटेरियल की आई है वो प्रीफर करेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो थिक वाली। ओके, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि बीएच कर्व के बेसिस पे हम कैसे परमानेंट मैग्नेट बनाएं उसको डिसाइड कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल अच्छा होगा हमारे लिए। ओके।